व्हाट अ टाइमिंग। वेकेशन हमारी खत्म हो रही है और देखो यार, मतलब अभी 4 बज रहे हैं और आज ही हमारा आखिरी दिन है और आखिरी दिन ही तूफान आया है। इसको कहते हैं लक। आखिरी दिन है हमारा और आज ही तूफान आया है, आज बस सुना। Mr. Hurricane himself. Mr. Worldwide. Been there, done that. Believe me. तो दोस्तों, वेकेशन हुआ ख़त्म, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ और बुल्गारिया में अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30 और जर्मनी में मतलब 2:30, 1 घंटा पीछे है। तो एक टिप दूंगा, टैक्सी जो होगी ना एयरपोर्ट के बाहर, वहाँ से टैक्सी मत पकड़िएगा अगर आप बुल्गारिया आते हैं। यूरो टैक्सी मैं लिंक डालूँगा, वो वहाँ से बुक करना, तो वहाँ से आपको सस्ती मिलेगी। क्योंकि टैक्सी हमने होटल से पता किया था, रिसेप्शन से तो कह रहे थे 50 यूरो, और बुल्गारिया सबसे जो सस्ता मुल्क है यानी कि पुअरेस्ट मुल्क है, तो वहाँ पे हमें उम्मीद नहीं थी कि 50 यूरो टैक्सी वाला लेगा। पर खैर, तो रिसेप्शन और वो एयरपोर्ट से इतना ही मिलेगा अगर आप एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से टैक्सी लेते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन सेंटर से नहीं, वहाँ पे सॉरी टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेते हैं तो। और या बाहर जो टैक्सीज खड़ी होंगी वहाँ, वो महंगी होंगी, तो या तो पहले एडवांस में बुक कर लेना। और होटल में हमने ऐसे हम चेक कर रहे थे कि शायद कुछ सस्ता ऑप्शन मिल जाए, तो हमें मिल गया लकीली यूरो टैक्सी, और 16 यूरो लेगा वो बस, ठीक है। वो भी 15 यूरो था, मैंने बोला यार पेपैल से पे करना है क्योंकि यहाँ लेवरेज चलता है, यूरो नहीं होता। तो उसने बोला अगर आप यूरो में करना चाहते हो तो 1 यूरो एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, 50 से 16 तो बहुत सही है। तो बस ये था, अब टैक्सी का वेट ही कर रहा हूँ, निकलना है। मेरे ख्याल से टैक्सी आ गई है, शायद वही टैक्सी है। तो फिर मिलते हैं एयरपोर्ट पे और बाकी की डिटेल्स वहाँ पे। तो दोस्तों पहुँच गए एयरपोर्ट और बहुत ही जल्दी हो गया चेक इन यार। फ्रैंकफर्ट 2 फ्लाइट हैं बस इतनी सुबह, यहाँ से बुर्गस एयरपोर्ट से 2 ही फ्लाइट्स थी। चेक किया था कि कितना टाइम लग सकता है, अगर ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं तो शायद काउंटर्स पे भीड़ हो वगैरह वगैरह, तो ये चेक करके आया था मैं। ये एक टिप है, ज़रूर चेक कर लेना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर सुबह की फ़्लाइट है तो हो, कोशिश तो वैसे ये किया करो कि 2 घंटा मतलब यूरोपियन यूनियन में अगर आप घूम रहे हो तो 2 घंटा पहुंच जाओ, मैक्सिमम 1 घंटा, उससे कम नहीं। भागा दौड़ी में क्यों करना काम यार, है ना, बैठना यहाँ भी है घर पे भी है। तो पर हमने फिर भी, मैंने चेक किया था क्योंकि टैक्सीज़ के ना रेट्स डिफरेंट थे, यानी कि अगर मैं टैक्सी 3 बजे लूँ, अजीब सा फंडा है समझ नहीं आया, पर जो भी है चलो, टैक्सी मैं 3 बजे लूँ तो 16 यूरो की थी, अगर वही मैं 2:30 बजे लूँ या 2 बजे लूँ तो वो 25-30 यूरो की थी। तो हमने बोला चलो चेक करते हैं कि अगर 3 बजे लेते हैं तो फिर मैं टाइम पे सब चेक इन वगैरह हो जाएगा ना, क्योंकि चेक इन लगेज भी है। हाँ बाय द वे, हमारी जो फ़्लाइट है, मेरी जो फ़्लाइट है वो है यूरोपियन एयर चार्टर, और वो हमें ये अल्टूर के नाम की जो एजेंसी है वहाँ से उन्होंने ही मतलब पूरा पैकेज था। तो ये कंपनी है जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोपियन एयर चार्टर मतलब कंपनी यानी कि एयरलाइन कंपनी, पर जो ट्रैवल एजेंसी है वो अल्टूर के नाम से है। तो बेसिकली हाँ ये था फंडा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो 3 बजे देखते हैं अगर पहुँच पाएंगे कि नहीं। और 3 बजे पहुँच के फिर हमने देखा कि फ़्लाइट्स कितनी है, यानी कि इस टाइम पे कितनी जा रही हैं, ताकि चेक इन वगैरह में सिक्योरिटी मेन चीज़ है, सिक्योरिटी में टाइम लग सकता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी तो सबका एक ही होगा, छोटा एयरपोर्ट है तो यानी कि एक ही मतलब 4-5 लेन्स ही थी, तो वो मैं बहुत फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। छोटे एयरपोर्ट्स पे भी ऐसा नहीं होता कि भाई आपको बड़े आराम से निकल जाओगे, छोटे एयरपोर्ट पे उल्टा कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी की जो लाइंस होती हैं वो काउंटर्स कम होते हैं, यानी कि ऑफिसर्स कम होते हैं, और स्पेशली सुबह का टाइम है तो उन्होंने कम ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हों, क्या पता है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो वो चेक करते हैं कि फ़्लाइट्स कितनी, तो 2 ही फ्लाइट्स थी इतनी सुबह की, तो इसलिए मैंने बोला चलो 3 बजे निकल लेते हैं, हो जाएगा काम। और बाकी एयरपोर्ट तो मैंने जब हम आए थे तो भी देखा ही था, इतना बड़ा था नहीं, पर वही था मेन फंडा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भी हो गया, सब हो गया, 10 मिनट में मेरा सारा हो गया, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी भी क्लियर हो गया, और अब मैं गेट के सामने बैठा हूँ, ठीक है। और अभी भी मेरे पास 40 मिनट है बोर्डिंग के, 30 मिनट है बोर्डिंग के लिए।
तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है यार, यही मैं शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे आप लोगों के साथ। छोटी वीडियो है ये सिर्फ बताने के लिए कि क्या क्या आप यहाँ पे आके कर सकते हो। हम कैपिटल इसलिए नहीं गए सोफिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बुल्गारिया का जो कैपिटल है सोफिया, हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज बुर्गस का ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पे यार कुछ खास है नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो इतना एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कुछ खास देखने को मिलेगा। और वो 120 साल पुरानी ही सिटी होगी, तो 120-130 साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसलिए कुछ खास है नहीं। तो इसलिए हमने सोचा ब्लैक सी के मज़े लेते हैं यार, समर वाला वीक है। और लकीली मैंने जो पिछली वीडियो में आपने देखा यार, बहुत लकी निकले हम। आखिरी दिन ऐसा तूफान आया ना, हरिकेन पूरे, मतलब 2-4 बज रहे थे, हाँ मैंने शायद वीडियो में दिखाया था 4 बज रहे थे, और वहाँ से लेके मतलब अभी तक बारिश ही हो रही थी। अब पता नहीं फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए बारिश की वजह, पर अब तो बंद है। पर पेड़ गिरे हुए हैं, और ये भी एक चीज़ अच्छी थी कि मेरी सुबह की फ़्लाइट है तो ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर यही बोल रहा था कि बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, रास्ते बंद हैं। अगर आपकी दोपहर की फ़्लाइट होती ना तो बहुत ट्रैफिक मिलता आपको, कम से कम 2-2.5 घंटा पहले निकलना ही पड़ता, ठीक है। तो चलो जो भी, अच्छी बात है, ये होते हैं फ़ायदे जब आप ज़्यादा घूमते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, एक्सपीरियंस लेना ना बहुत अच्छी चीज़ है, और जर्मनी आपको इन चीज़ों के लिए अलाउ करता है कि आप पढ़ रहे हो और पैसे कमा रहे हो, या फिर पढ़ने के बाद पैसे कमा रहे हो, तो सैलरी इतनी अच्छी है। और जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि यार बहुत ही एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब क्या कह सकते हैं यार, ऊपर वाले की दुआ है कि लाइफ अच्छी मिल रही है, और मेहनत है ऑफकोर्स, खुद के पैरों पे खड़े हुए हैं, तो बस वो यार मेहनत तो चाहिए ही होती है, हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए, तो वो करते रहो। बाकी बस ये इसका एक्सपीरियंस शेयर करना था मैंने क्लोजिंग वीडियो में। मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ आते हो बुर्गस, तो टैक्सी का जो मैंने आपको पहला टिप दिया वो ज़रूर याद रखना, और दूसरा कि हाँ ये मतलब एयरपोर्ट पे टाइम से आओ, और कोशिश करो कि एजेंसीज़ के थ्रू बुक कराओ। एजेंसीज़ हमेशा फ़ायदे वाली डील नहीं देती, पर कभी कभी फ़ायदे वाली डील देती है, क्योंकि मुझे उस टैक्सी ड्राइवर ने भी बताया कि हमारा जो होटल है रिजन तेमा, वो एक लौता अब लेट्स से एक जेन्युइन होटल बचा है जो ऑल इंक्लूसिव देता है, यानी कि सब कुछ, ब्रेकफास्ट डिनर ड्रिंक्स, यार अनलिमिटेड ड्रिंक्स, यार हद हो गई, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, दाल, मतलब आप कुछ भी पियो यार, सुबह से लेके रात तक 11 बजे बार बंद हो जाता है पर यार। और फूड, और वो कह रहा था कि बहुत सारे होटल्स ऐसे भी हैं जो पिक्चर्स डालते हैं वेबसाइट पे पर ओरिजिनल वैसे नहीं होते। वेल व्हाट कैन यू से, चीज़ें होने के हैं, चांसेस हैं ना, तो इसलिए बस ध्यान रखना। और पॉकेट पिकिंग बहुत यहाँ पे मैंने सुना है कि होती है, पर हम इतना मतलब सिटी में हमने, मतलब मैंने आपको सिटी नहीं दिखाई, वो जो बुर्गस की जो सिटी है मेन सिटी, वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे कुछ देखने लायक था नहीं। नेसेबार जो थोड़ा हिस्टोरिकल है वो मैंने आपको दिखा दिया, और हाँ जो सनी बीच है जहाँ हम रह रहे हैं वो सनी बीच है, ठीक है। बुर्गस और सनी बीच में डिफरेंस है, तो अगर आप बुर्गस आते हो तो बुर्गस में देखने लायक कुछ नहीं है, वहाँ से 20-30 किलोमीटर सनी बीच है, हम वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ पे ब्लैक सी पास में ही है, और हमारा होटल उधर ही था सनी बीच में, ठीक है। तो वो एरिया अलग है, तो वो कन्फ्यूज़ मत होना जब आप आओगे, तो टैक्सी ड्राइवर्स को भी ये बताना ज़रूर जब आप आओगे यहाँ पे कि मुझे सनी बीच जाना है, बुर्गस का एयरपोर्ट है पर बुर्गस सिटी और सनी बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30-35 किलोमीटर, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। तो बस यही था यार, अच्छा ट्रिप था ऑल इन ऑल, तो होटल भी हमें अच्छा मिल गया जैसा मैंने बताया, कुछ फेक वेक अनाउंसमेंट हो रही है, फेक वेक नहीं मिला ऐसे, तो सब ठीक था। और ओके चेक इन हो गया, बता ओके कॉल आ गई है, तो अब निकलता हूँ फ्रैंकफर्ट के लिए। बस यार ये बताना था, ऑल इन ऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अब 600 यूरो में यार ऑल तो मैं कोई एक्सपेक्ट कुछ कर नहीं सकता, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन अ सेंस कि चलो अगर मैं पूरा रेटिंग वेटिंग दूँ तो 6 out of 10 दे सकता हूँ, और 6 out of 10 इसलिए क्योंकि वही मतलब इतना कुछ देखने को था नहीं तो, पर रिलैक्सिंग था मेन है, रिलैक्सिंग मेरे लिए रिलैक्सिंग होता है, पर मिल्डा को चीज़ें देखनी होती हैं तो वो नहीं मिला, पर खैर एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस, तो हुआ, नई सिटी देखी, नया मुल्क देखा, नई कंट्री देखी, तो हो गया सस्ते में जुगाड़। अब देखते हैं अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। तो बस यार बुल्गारिया के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय।